बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस विधायक इंदुराज भालू ने किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि पहले भी विधायक दल के विधायकों ने याचिका दायर की थी, लेकिन उसे बहाना बनाकर रद्द करने का काम किया गया। बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस विधायक इंदुराज भालू ने किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि पहले भी विधायक दल के विधायकों ने याचिका दायर की थी, लेकिन उसे बहाना बनाकर रद्द करने का काम किया गया। लाडवा के विधायक मेवा सिंह और इंदुराज भालू ने मिलकर संयुक्त रूप से याचिका दायर की। इंदुराज भालू का कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद स्वाभाविक तौर पर किरण चौधरी की सदस्यता जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की याचिका में कमी निकालकर स्पीकर ने किरण चौधरी के पक्ष में फैसला देने का काम किया। वहीं उन्होंने पदक लाओ पद पाओ की नीति को बिल लागू करने को लेकर मांग उठाई और कहा कि खिलाड़ियों का मान सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा से साफ हो जाएगी। इंदुराज भालू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की याचिका को अनदेखा कर रही है। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि विपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा से कहने पर उन्होंने ये याचिका दायर की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। वहीं इंदुराज भालू ने यह भी कहा कि 13 हलकों में हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में किया गया है। एक बार फिर दोबारा कैंपेन की शुरुआत हो रही है। देखिए, किरण चौधरी की सदस्यता रद्द के लिए मैंने याचिका दायर करी और पहले भी हमारे दो विधायकों ने, चाहे हमारे उसके विधायक दल के जो उपनेता है आफताब अहमद जी और हमारे बीबी बत्रा जी ने याचिका लगाई थी, लेकिन बहाना बना के उनको कैंसिल करने का काम किया और उसमें कमियां काटी गई। लेकिन कल दोबारा मैंने और विधायक हमारे मेवा सिंह जी हैं लाडवा से और मैंने दोनों ने याचिका दायर करी कि किरण चौधरी ने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली, फटका पैर लिया और पूरी अनाउंसमेंट होगी, बीजेपी की सदस्यता भी उसको मिल गई, तो ऑटोमेटिक वैसे होना चाहिए था उसके सदस्यता। विधायक इंदुराज भालू ने यह भी कहा कि आज पूरा प्रदेश बीजेपी से हिसाब मांग रहा है, लेकिन भाजपा जवाब नहीं दे रही। वहीं अब प्रदेश की जनता ने एक फैसला कर लिया है कि लोकसभा में आप और हरियाणा में साफ करने का मन जनता ने बना लिया। बीजेपी हिसाब दे या ना दे, लेकिन छत्तीस बिरादरी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जरूर हिसाब किताब करके देंगी। ओलंपिक में दो खिलाड़ियों के द्वारा मेडल लाने को लेकर उन्होंने बधाई दी और कहा कि खिलाड़ियों के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में पदक लाओ पद पाओ की नीति लागू थी, वही नीति लागू बीजेपी सरकार करे। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों को उनका मान सम्मान मिलना चाहिए। गुवाहाटी से टोटल न्यूज़ के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।